नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए 5,580 नए शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सभी नए शिक्षकों से बात की। इस कार्यक्रम को वर्चुअली पीएम मोदी ने भी संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने शिक्षकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह बाल कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि मैंने यहां कर पुष्प वर्षा कर आपका स्वागत वंदन किया। पुष्प वर्षा के दो कारण हैं, एक बहुत स्नेह करता हूं क्योंकि आप मेरे भांजा भांजी हैं, दूसरा आपका आदर करता हूं क्योंकि आप गुरु हो। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गुरु वो है जो गढ़ते हैं। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आप हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। बच्चे तो माटी के लोंदे होते हैं, हम जैसा चाहे वैसा गढ़ देते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों से सीएम ने कहा कि आप वो हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बनाने वाले हो। सीएम शिवराज ने कहा कि टीचिंग कोई साधारण नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी नौकरी में आप किसी को बनाते नहीं है, आप अपना काम करते हैं। इंजीनियर हो तो पुल बनाओगे, आप इंसान करते हो। देखो, ये साधारण नौकरी नहीं है। अन्य नौकरियों में आप किसी को बनाते नहीं, आप अपना काम करते हैं। आप इंजीनियर हो तो आप पुल पुलिया बनाओगे, इंसान नहीं कर सकते। आप ऑफिस में वर्क कर रहे बैठ के तो आप फाइल बनाओगे, लेकिन आप इंसान बनाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अंतरात्मा से सोचना। ये शिक्षा का अर्थ क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, और मुक्ति का मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक का मतलब है कि यहां रहने के लायक बना दे, ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार दे दे, और कौशल ऐसा कि जिससे कम से कम रोटी और रोजगार भी आजीविका भी वो चला ले, और फिर ऐसा भी हमें बना दे कि परलोक में भी मुक्ति मिले। उसको कहा आदि गुरु ने कि वो शिक्षा है। मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद रहे हैं आज भी। वो कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, मनुष्य को मनुष्य। और मनुष्य का मतलब है चरित्रवान, ईमानदार, शालीन, कर्मठ, देशभक्त। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने वाला, जो परोपकारी हो, जो दुनिया को बेहतर बनाए, वही तो मनुष्य है। तो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अपनी दृढ़ता चाहिए, अपना आचरण, अपना व्यवहार, तो प्रभावित होंगे। देखो, मुझे पढ़ाते थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हमेशा। मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। जैत के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, और हम जब स्कूल जाते थे तो अपना बिछाने का फट्टा संग ले जाते थे, झोला संग ले जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं होती थी उस जमाने में, तो बिछा के बैठते थे। लेकिन जाते थे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, प्रणाम गुरु जी। श्री रचन चंद जी जैन, मैं आज जो कुछ हूं, अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रचन चंद जैन, मेरे गुरु जी, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ाया। सबसे पहले मैं अब आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप नव नियुक्त शिक्षक हैं, और आज मैंने आके आप पे फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत किया, आपका वंदन किया, आपका अभिनंदन किया।
खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।